जोशीमठ, जोशीमठ कोई शब्द नहीं है, शब्द है योशी। योशी का अर्थ होता है जो दो घरों को गई हो, या जिसके दो घर हों, या जो रास्ता दो घरों को जाता है उस स्थान को योशी या द्विघरिया कहते हैं। यहाँ से भी एक श्री बद्रिका आश्रम को और दूसरा कैलाश को रास्ता जाता है। दोनों घरों का यह बेस कैंप है, इसलिए यह योशी मठ है। देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इनमें सारे प्रयागों में स्नान दान और यज्ञ याग के बिना प्रजापति ब्रह्मा की उपासना पूर्ण नहीं होती है। इन सब के बाद ही भगवान नारायण के दर्शन के लिए जोशी मठ से आगे बढ़ने की रीति है। श्री बद्रीनारायण में जाकर पहले बामणी के उर्वशी मंदिर में पूजा अर्चना कर पीठ की अधिष्ठात्री माता उर्वशी से भगवान नारायण के दर्शन की अनुमति लेनी पड़ती है। उर्वशी भगवान नारायण की माया है। बद्रीनारायण के दर्शन पूजन के बाद कुछ भक्त माणा दर्रा से थौलिंग होते हुए मानसरोवर को जाते हैं और अधिकतर जोशीमठ वापस आकर नीति के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा को निकल जाते हैं, क्योंकि मुक्ति के लिए प्रयागों में ब्रह्मा, श्री बद्रीनारायण में भगवान विष्णु और अंत में मृत्यु के देवता कैलाशवासी भगवान शिव का दर्शन पूजन ये आवश्यक है। इन्हीं के बाद तभी मोक्ष मिलता है। तो 530 ईस्वी पूर्व बौद्ध लुटेरे श्री बद्रीनारायण से चोरी कर मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर सब कुछ लूट कर थौलिंग मठ ले गए। फिर 497 ईस्वी पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य केरल से इसी योशी में आए और भगवान श्रीमन नारायण और कैलाशवासी की इसी योशी को उन्होंने अपनी साधना हेतु चुना। शंकराचार्य श्री विद्या के उपासक थे और उन्होंने योशी में श्री यंत्र की स्थापना की। शंकराचार्य महाराज द्वारा श्री बद्रिका आश्रम की पुनः प्रतिष्ठा और इसका मठ योशी में स्थापित करने के बाद योशी उत्तर भारत अंतर्गत नेपाल, तक्षशिला, गांधार तक के राजाओं का प्रमुख तीर्थस्थल हो गया। 8वीं शताब्दी में एक अभिनव शंकराचार्य हुए जो इस निर्जन क्षेत्र में आए। ये जन्म जन्मांतर से तांत्रिक थे। उन्होंने उत्तराखंड में आते ही सबसे पहले इन श्री मंदिरों में जाकर श्री यंत्र को उलटकर दफन कर दिया और उनके ऊपर सामान्य देवी की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी बीच 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इस मठ की रक्षा के लिए कत्यूरी राजा को दायित्व यहाँ का सौंपा गया, जिसने अपनी राजधानी जोशी मठ को बनाया। राजा लोग कार्तिकेय के उपासक थे, इसलिए कत्यूरी कहलाए। बाद में उन्होंने यहाँ पर नारसिंह मंदिर की स्थापना की। यही कारण है कि जोशी मठ का नारसिंह मंदिर आज भी पूरे उत्तराखंड वासियों का इष्ट देवता है। कुमाऊं और गढ़वाल में जब नौखंडी नारसिंह की पूजा की जाती है तो सारे नारसिंह का स्थान जोशी मठ ही बताया जाता है। इस दृष्टि से भी जोशी मठ का स्थान हर उत्तराखंडवासी के लिए महत्वपूर्ण है। गौर करने की बात है, जब लोगों के घरों में जागर देवता गढ़ाए जाते हैं और उनके वहाँ नारसिंह का अवतार होता है किसी में, तो उस भगत को यहीं ला करके स्नान ध्यान कराया जाता है। यहाँ पर स्नान करने के बाद ही उनको भगवान नारसिंह के ये अधिकार सौंपे जाते हैं। तो भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य ने इस विष्णुपति धौली के संगम विष्णुप्रयाग से प्रारंभ गौरसों ओली पर्वत से कर, जिसके सामने ब्रह्म यजन गिरी और पार्श्व में देवांगन सप्तकुंड है, सामने सप्तश्रृंग काग भुसुंडी के साथ देवताओं का वन है, उसको अपनी साधना स्थली के रूप में उन्होंने चुना था। कल्प के आरंभ में जब महाप्रलय हुआ था उस समय भी मनु ने अपनी नाव का लंगर इसी स्थान पर डाला था। इससे आप समझ सकते हैं कि इस स्थान का महत्व और इसकी पवित्रता कितनी है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। यह पर्वत अपने आप में देवता है। इस पर्वत के गोद में शंकराचार्य की तपस्थली है और नरसिंह मंदिर है।
गौरसों इसकी शिखा है और ओली इसका मस्तक है। अब जरा देखिए आज जोशीमठ तीर्थ का हाल क्या है। नरसिंह मंदिर के ऊपर भारी बस्ती बस गई है, होटलों की गंदगी सब मंदिर के ऊपर है, उसके ऊपर सैनी छावनियों की दारू की कैंटीन है। ओली, शंकराचार्य और नरसिंह पर्वत का ये मस्तक है, पर ओली स्कीइंग और सितारा होटलों की अय्याशी का एक अड्डा बन गया आजकल। यह पूरा ही पर्वत श्रीयंत्र के आकार का है जो दिव्य शक्तियों का एक केंद्र होता है, पर वर्तमान समय में तो यह श्री पर्वत होटलों और टूरिस्टों की अय्याशी का अड्डा बन गया है। लोगों की नज़र में जोशीमठ में इस समय कुदरत का कहर है, पर शायद यह अधर्म का कहर है, असुर प्रवृत्ति का कहर है। पहले के लोग जब बुग्यालों में जाते थे तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं की जाती थी और कहते थे कि ऊंची आवाज में बोलने पर एड़ी आंसरी लग जाएगी। दरअसल हिमालय में दिव्य तपस्वी अदृश्य रूप में तपस्या करते रहते हैं, उनके तप में बाधा ना पहुंचे, वे लोग गुस्सा ना हो, इसलिए चुप रहने के लिए एड़ी आंसरी का भय दिखाया जाता था। पर आज तो उन पर्वतों पर हेलीकॉप्टर का शोर शराबा चल रहा है, हेलीकॉप्टर शोर शराबे के साथ उड़ रहे हैं। पहले जोशीमठ नरसिंह मंदिर के दंडधारा में लगभग 3 से 4 इंच पानी निकलता था, जहाँ पर ये डांगर लोग स्नान करते थे, पर अब यह तो बिल्कुल सूख चुका है। तो सोचिए कहीं यह भगवान नरसिंह के दंडधारा को सुखाने के लिए जोशीमठ के भगवान नरसिंह द्वारा दिया गया दंड तो नहीं। पता नहीं भगवान नरसिंह कितने प्यासे होंगे, कितने गुस्से में हैं। फिर से कोई ध्रुव बनकर आए और नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत करे और जोशीमठ को फिर से आबाद और स्थापित करे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओ दूध हरायो नंती नाली जी, ओ चाहा चूसा चूस, ए सुखी रे मुखड़ी देखो चाहा चूसा चूस, ए आज खरू खरू है गे चाहा चूसा चूस, ये डोकवा पूछली बेरे ठेकी भानी मुस, ये डोकवा पीर